गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा स्किन मास्क लेके आई हूँ जो आपके स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ ठीक करने में हेल्प करेगा। ये फेस मास्क स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिनके स्किन डल हो गए, झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनके स्किन टोन अनइवन है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपके स्किन को हेल्दी रखेगा, हाइड्रेट करेगा, स्किन पे मॉइस्चर देगा। तो आज हम बात करेंगे बनाना स्किन मास्क के बारे में। इसे स्किन वाइटनिंग मास्क भी कह सकते हैं। तो अब मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि इस पैक को कैसे बनाना है, कितनी देर तक रखना है और सप्ताह में कितनी बार यूज करना है। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्किन वाइटनिंग पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक बनाना। बनाना में विटामिन ए और विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे स्किन लाइटन बनाता है, स्किन के ब्लेमिशेज और डार्क स्पॉट को फेड करता है। साथ ही बनाना में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है और हमारे स्किन टोन को के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। इस तरह से हम एक पका हुआ बनाना लेंगे, उसको ऐसे पीसेस में काट लेंगे और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अगर बहुत पका हुआ है तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं उसको। इस तरह से बन जाएगा। अब आप इसे 2 चम्मच ले लीजिए एक बोल में। सेकेंड में लूंगी कर्ड। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है जो आपके स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है। 1 चम्मच आप इसमें से दही ले लीजिए। 2 चम्मच मैंने बनाना लिया, 1 चम्मच दही लिया। थर्ड में लूंगी हनी। हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, ये आपके स्किन को ग्लोइंग करती है और आपके स्किन को मॉइस्चर भी देती है। हनी में तो वैसे बहुत सारे गुण होते हैं। 1 चम्मच ले लूँगी हनी। और ये तीनों पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। दो चम्मच मैंने लिया मैश किया हुआ बनाना, 1 चम्मच मैंने लिया दही और 1 चम्मच मैंने लिया हनी। तीनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपका ये पेस्ट बहुत गीला गीला सा लगे, फेस पे गिरने लगे, तो आप इसमें मुल्तानी मिट्टी भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, या चावल का आटा मिक्स कर सकते हैं, या थोड़ा सा बेसन मिक्स करते हैं, वो भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं, इतना ज़्यादा नहीं आप लगा सकते फेस पे, तो इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। कई लोग इसमें लेमन भी मिक्स करते हैं। लेमन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो, लेकिन वो सेंसिटिव स्किन वाले के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आप इसमें लेमन नहीं भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स कर दिया है। अब ये पेस्ट थिक हो चुका है, ये हमारे फेस पे अच्छे से टिक जाएगा। सबसे पहले मैं अपने बालों को ऊपर करके बांध लूँगी। उसके बाद आप अपने स्किन को क्लीन कर लीजिए। वैसे तो मैंने अभी फेस वॉश किया है फेस पे, फिर भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। कोई भी फेस पैक या हेयर पैक आप लगाते हैं तो उससे पहले अपने स्किन को या हेयर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप अपने फेस पे कोई पैक लगाते हैं
तो आप अपने गले पे ज़रूर लगाइए, क्योंकि फेस और गले का जहाँ तक दिखता है आपका वहाँ एक जैसा रहना चाहिए, नहीं तो फेस अलग हो जाता है और गले का कलर अलग हो जाता है। अब मैं इस फेस पैक को ब्रश की हेल्प से या आप अपने फिंगर्स से भी अपने पूरे स्किन पे लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसे सूखने को छोड़ूंगी। उसके बाद नॉर्मल पानी से या लिक्विड वाटर से वॉश करूंगी फेस को। वैसे तो समर के सीज़न में सभी के घरों में हमेशा बनाना रहता है और वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। अगर ज़्यादा पक जाए तो आप उसे फेंकिए मत, उसे आप यूज़ कर लीजिए। स्किन या हेयर में किसी भी तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप स्क्रब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। बनाना से आप फेशियल भी कर सकते हैं, बनाना फेशियल, इसका मास्क बना के भी यूज़ कर सकते हैं, हेयर मास्क भी बना सकते हैं। आपके हेयर और स्किन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। सेम फेस मास्क आप अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ है कि इसमें आप दही की मात्रा बढ़ा दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपके स्किन के जैसे ही हेयर भी आपके शाइनी शाइनी हो जाएंगे और बहुत हेल्दी हो जाएंगे। अब मैं ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे इसको लगाऊंगी। दस मिनट के लिए इसे छोड़ना है, उसके बाद इसे आप लुकवार्म वाटर से वॉश कर दीजिए। आफ्टर 10 मिनट मैंने अपने फेस को वॉश किया है। लुकवार्म वाटर से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल वाटर से भी कर सकते हैं। जब भी आप अपने फेस को या हेयर को पोछिए तो डैप डैप करके पोछिए, ऐसे रगड़ के नहीं पोछना है, ऐसे नहीं पोछना है, ऐसे डैप डैप करके फिर पोछिए। और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पे कितनी लाइट आ गई है। आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी के घर पे ये सारे सामान मौजूद होते हैं, इसमें बाहर से लाने का कुछ भी नहीं है। अगर केला आपका बहुत ज़्यादा पक गया है, ख़राब हो रहा है, फेंकने वाले हैं तो भी उसका यूज कर सकते हैं। पके हुए केले को जिसको कोई नहीं खाता है उसको मैश कर दीजिए और अपने फेस पर मसाज करिए, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पिगमेंटेशन की जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, झुर्रियाँ, झाइयाँ, एज
की वजह से, एजिंग की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। आपका स्किन फेयर दिखेगा, ग्लोइंग दिखेगा। आप अपने स्किन पे केले के छिलके को, जो कि हम वेस्ट में फेंक देते हैं, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से काट लीजिए और ये जो अंदर वाली स्किन है ना, उस पर थोड़ा सा शहद डाल दीजिए और ऐसे 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 स्किन में सर्कुलर मोशन में आप इसको 5 से 10 मिनट तक मसाज कर दीजिए इसका। जब एक साइड से खराब हो जाए तो दूसरे साइड से ले लीजिए। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर स्क्रब करना है आपको तो 1 चम्मच केला मैश करके ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए और दोनों को मिला के बहुत हल्के हल्के हाथों से स्क्रब कीजिए। इसका स्क्रब भी बहुत अच्छा होता है। अब आप अपने स्किन पे कोई जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं या टोनर यूज़ करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंट ग्लो आता है इसका। अगर आपको बहुत जल्दी किसी पार्टी में जाना है या सलून नहीं जा पा रहे हैं अभी, आप ये करके और 10 मिनट के अंदर कहीं जा सकते हैं। इस पैक को आप सप्ताह में 2 बार लगाइए और आप 2-3 महीने तक लगातार लगाइए। आपकी धीरे धीरे पिगमेंटेशन की जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। आज मैंने आप लोगों से शेयर किया बनाना स्किन मास्क। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।